घर हमारी जिंदगी में न जाने कितने किरदार निभाता है। बचपन में ये मां का प्यार बन जाता, जवानी में दोस्त का विश्वास बढ़ाता, बुढ़ापे में एक साथी की तरह परवाह दिखाता और अब ये निभाने जा रहा है एक और अहम किरदार, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में करनाल में शुरू हो रही है प्रदेश की पहली घर पर ही कोविड उपचार सेवा संजीवनी परियोजना। मात्र 3 हफ्तों में तैयार ये योजना बेहद यूनिक है। इसका डिजाइन और कार्यान्वयन किया है टीम डेलॉइट एवं हरियाणा से जुड़े डेलॉइट के ग्लोबल सीईओ पुनीत रंजन ने, और इसकी प्रेरणा है हरियाणा सरकार की कोविड उपचार प्रतिबद्ध सरकार नीति। लेकिन इसे खास बनाता है मरीजों, डॉक्टर्स और सेवाओं के बीच का एक सुपरवाइज्ड होम केयर नेटवर्क, जिसमें शामिल है 200 मेडिकल छात्र, आशा कार्यकर्ता और एक केंद्रीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। ये सभी लगातार मरीजों से संपर्क में रहेंगे और उनकी रिपोर्ट, खाना, दवाइयां और परामर्श, हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखेंगे। पर इतना काफी नहीं, हरियाणा के हर एक घर तक पहुंचे संजीवनी, इसके लिए विशाल स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। जिसमें मरीजों तक निशुल्क मास्क, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर एवं बेसिक दवाइयां पहुंचाने से लेकर इमरजेंसी में वेंटिलेटर एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने तक, तेजी से टेस्टिंग लैब्स की संख्या बढ़ाने से लेकर मरीजों को 3-tier मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा पहुंचाने की दिशा में काम हो रहा है, ताकि हरियाणा बने देश की सावधानी की राजधानी। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में विस्तार का विश्वास लिए आज से करनाल में शुरू संजीवनी परियोजना, स्वस्थ करनाल बनेगा मिसाल।